بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما حاضرين المجلس मेरा जो उनवान है मुनहरिफ अफकार के नुकसानात। मुनहरिफ फिक्र क्या है और उसका इंसान पर चाहे इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर ऐसे अफकार का क्या नुकसानात होते हैं, उन्हीं को कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मुनहरिफ अफकार क्या है इसे समझने के लिए, ऐसे एक आम जबान में समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि हर वो फिक्र जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जिस पर उलमा का इजमा हो उससे हटा हुआ हो, हर वो फिक्र जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया हो और उम्मत के उलमा का जिस पे इजमा हो उससे हटा हुआ हो, ये मुनहरिफ फिक्र कहलाए। नुकसानात को जानने के लिए ज़रूरी ये है कि हम देख लें कि इस फिक्र की क्या किस्में हैं। नुकसानात को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके अक्साम को जानें। अहले इल्म ने मुनहरिफ फिक्र को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक वो जिसका ताल्लुक इंसान के अकायद से है और दूसरा वो जिसका ताल्लुक इंसान के अखलाक से है, इंसान के सलूक से है। मुनहरिफ फिक्र को जानने से हमें ये अंदाज़ा हो गया होगा कि चूंकि ये मुनहरिफ फिक्र बहुत ही आम है या उसका दायरा बहुत ही वसी है और उसके तहत तकरीबन दीन की सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिहाजा जब इंसान दीन से थोड़ा सा भी दूर हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, गोया कि वो मुनहरिफ फिक्र के दायरे में चला आता है। तो इससे हम इस फिक्र के नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर इंसान के फिक्र के इनहराफ का ताल्लुक अकीदे से हो तो ऐसी सूरत में इंसान जो है ख़तरे में है, और अगर अखलाक से भी हो तो ऐसी सूरत में इंसान ऐसे ऐसे आमाल अंजाम देता है जिसका तज़किरा अभी आएगा। अगर इंसान के मुनहरिफ अफकार का ताल्लुक इंसान के अकायद से है, इंसान के ईमानियात से है, तो गोया कि यहाँ उलमा ने इसके मरातिब का तज़किरा किया है। पहला मरतबा ये है कि इंसान का ये मुनहरिफ फिक्र इंसान को शिर्क अकबर और कुफ्र के दायरे तक ले जाए, इंसान का मुनहरिफ फिक्र इंसान को शिर्क और कुफ्र के दायरे तक ले जाए जिसके तहत शिर्क आता है, जिसके तहत इंसान इल्हाद की मुख्तलिफ सूरतें आती हैं, जिसके तहत इंसान का दायरे इस्लाम से निकल जाना आता है। अगर कोई आदमी दायरे इस्लाम से निकल जाए तो उसके लिए क्या बाकी रह गया? कोई आदमी अल्लाह का इनकार करे, अल्लाह पर ईमान ना लाए, फिर उसके लिए क्या रह गया? और कोई शख्स अगर शिर्कियात का इर्तिकाब करता है और अगर वो शिर्क अकबर की कस्म में से है तो फिर हम उसकी ख़तरनाकी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला किसी भी सूरत इंसान से माँ को माफ़ नहीं करेगा अगर उस शिर्क का ताल्लुक शिर्क अकबर से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मसले की बहुत ही ज़्यादा कुरान में वज़ाहत की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इंसान से शिर्क का सुदूर होता है और उसका ताल्लुक शिर्क अकबर से है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान के गुनाह को या ऐसे इंसान को हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसान के गुनाह का ताल्लुक शिर्क के अलावा दीगर चीज़ों से है तो तवक्को है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर दे। शिर्क इंसान के लिए कितना ख़तरनाक है, शिर्क से इंसान को बचना क्यों ज़रूरी है, डरना क्यों ज़रूरी है,
इसलिए कि शिर्क अकबर का अंजाम इंसान के लिए हतमी तौर पर, नहायी तौर पर, हमेशा हमेशा के लिए इंसान को जहन्नम का मुस्तहिक करार देता है। ममत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हाल में उसकी वफ़ात हुई हो कि वो अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक करते करते वफ़ात पा गया, तो ऐसे इंसान जहन्नम में जाएगा। जहन्नम में जाना कोई आसान बात नहीं है, जहन्नम में जाना कोई आसान बात नहीं है। जहन्नम का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, चंद दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक इंसान हमेशा हमेशा जहन्नम में रहे कोई आसान है? क्या हम में से कोई आदमी दुनिया के अंदर आग का मामूली सा हिस्सा अपने जिस्म के किसी हिस्से पर थोड़े से वक्त के लिए भी बर्दाश्त कर सकता है? तो हमेशा हमेशा कोई आदमी जहन्नम में रहे ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? तो अगर इंसान के फिक्री इनहराफ का ताल्लुक शिर्क से हो तो उसकी ख़तरनाकी का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक मामला है कि इंसान अपने मुनहरिफ अफकार की वजह से अगर वो शिर्क तक पहुंच जाता है तो उसका अंजाम कार बहुत ही ख़तरनाक है जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। इन्ना अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लिहाजा हर इंसान की ये फ़िक्र होनी चाहिए कि वो हत्तल इम्कान शिर्क की तमाम सूरतों से दूर रहे, इसी में उसकी नजात है। अगर वो शिर्क अकबर का इर्तिकाब करता है और मरने से पहले तौबा नहीं करता तो ऐसी सूरत में उसकी नजात नामुमकिन है। शिर्क से अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम भी डरा करते थे, शिर्क से अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम भी डरा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मुखातब करके सहाबा से खौफ खाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हमें मालूम है, क्या दुआ फरमाई उन्होंने? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ। اے میرے رب تو مجھے بھی اور میرے آل و اولاد سب کو شرک سے بچا۔ ہم یہ ہے نبی سے شرک کا تصور ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شرک کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نبی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ پر اور اپنے آل و اولاد جو بھی نبی ہیں ان کے لیے بھی ہے شرک کا خوف کھاتے ہیں۔ تو ایک نبی ہو کر کے شرک کے بارے میں ڈرتا ہوا اپنے آپ سے، تو ہم اور آپ شرک کے سلسلے میں کتنے زیادہ خوف کھانے کے مستحق، خوف کھانا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، میں تمہارے سلسلے میں شرک اکبر اصغر سے سب سے زیادہ ڈر رہا ہوں، سب سے زیادہ خوف کھا رہا ہوں۔ صحابہ کی جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک سے ڈر رہے ہوں تو ہمیں بدرجہ اولا شرک سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ڈر فکری انحراف، انسان فکری انحراف کا تعلق انسان کا عقیدے سے ہے، شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے اس فکری انحراف کے نتیجے میں، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے انسان کی گمراہی کا، ایسے انسان کی ہلاکت و بربادی کا انجام واضح ہے۔ لیکن اگر انسان کے فکری انحراف کا تعلق دیگر عقیدے کے علاوہ دیگر امور سے ہے تو ایسی صورت میں فکری منحرف شخص، منحرف افکار کا حامل انسان ایسے بہت سے اعمال انجام دیتا ہے جو اپنے آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ ان کاموں میں یا ان امور کو جو فکری منحرف انسان انجام دیتا ہے ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ فکری طور پر جو منحرف انسان ہوتا ہے وہ مسلم معاشرے کو، مسلم حکام کو، مسلمان کے ذمہ داروں کو، انسانوں کو معمولی سے گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے اور کسی گناہ کے ارتکاب پہ جس کو شریعت نے کفر کہا ہو اس پہ کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت ہی جلدی کرتا ہے۔ کسی انسان کو کافر کہہ دینا آسان نہیں ہے، کسی انسان پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے رہے ہیں۔
किसी इंसान का ईमान यकीन से साबित हो, किसी इंसान का ईमान हतमी तौर पर साबित हो, तो उसको शक की बुनियाद पर, उसे जन की बुनियाद पर कैसे कोई इस्लाम से बाहर कर सकता है। और किसी को काफिर कहने का मतलब ये हुआ वो तो दायरे इस्लाम से बाहर चला गया, दायरे इस्लाम से बाहर चला गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ हम कुफ्र की ख़तरनाकी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आदमी मुनहरिफ होता है, उसकी सोच सही नहीं होती है, वो ऐसे ऐसे आमाल अंजाम देता है जो नहायत ही ख़तरनाक होता है। किसी इंसान को काफिर कह देना आसान नहीं है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ख़िताब किया और कहा किसी को काफिर ना कहो। उसका अंजाम क्या होगा? अगर जिस बंदे को आप काफिर कह रहे हो, अगर वो कुफ्र का इर्तिकाब नहीं किया है, उसका अमल उसे कुफ्र तक नहीं ले जा रहा है, तो नतीजा ये होगा कि वो कुफ्र जो है आप पे ही लौटा दें। क्या आप अपने आप को काफिर कहलाना पसंद करते हैं? क्या आप अपने आप को दायरे इस्लाम से बाहर देखना पसंद करते हैं? नहीं। तो हम कैसे किसी को बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी वजह के दायरे इस्लाम से बाहर कर रहे हैं? बहुत ही ख़तरनाक मामला है। ऐसे ही मुनहरिफ फ़िक्र का शख्स, मुनहरिफ अफकार का हामिल इंसान जो अनमाल अंजाम देता है, उन्हीं में से मासूम लोगों की जान लेना है, मासूम लोगों की जान लेना है। इस्लाम में जान की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को इस बात की इजाज़त हरगिज़ हरगिज़ भी नहीं दी है वो क्या करे किसी की जान ले। ना तो वो दूसरों की जान ले सकता है और ना ही अपने आप की भी जान ले सकता है। जान की हुरमत बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी है कि कोई किसी की जान ले, इल्ला ये कि वो काम करे जिसकी वजह से शरई कवानीन के अतबार से और जहाँ पे इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, उन आमाल के बजा लाने की वजह से शरीयत ने उन पे उनकी जान लेने की इजाज़त दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनमें तीन लोगों का तज़किरा फरमाया कि जो आदमी किसी को कत्ल कर देता है तो कत्ल के बदले उसे कत्ल किया जाएगा। उसने किसी की जान ली है और ये बात साबित हो जाती है तो ऐसी सूरत में बदले में उसकी भी जान ले ली जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी ने शादीशुदा होने के बावजूद जिना का इर्तिकाब किया है तो उसकी जान लेने की इजाज़त है, उसको उस पर उसे रजम कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार के उसे हलाक कर दिया जाएगा। लेकिन कोई आदमी बग़ैर किसी सबब के किसी की जान ले ले, ये किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं। कुरान अहादीस में इसके सिलसिले में बहुत ही सख्त सम के वईद आए हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا। इस आयत में गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक गुनाह की पादाश में, एक गुनाह के इर्तिकाब की वजह से कितनी सजाएँ मुकर्रर की कि अगर कोई आदमी किसी मोमिन का जान बूझ के जान लेता है तो उसके सिलसिले में इतने सारे जो है गुनाह या उसके सिलसिले में इतनी सारी सजाएं एक आयत के अंदर बयान की गई। ओमई यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जान बूझ करके कोई आदमी किसी मोमिन को कत्ल कर देता है तो उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह ताला उसमें गज़बनाक होगा और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्दनाक और बहुत ही बड़ी सज़ा तैयार कर रखी है। एक हदीस के अंदर मुसलमान के जानों की अहमियत बतलाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़वालुद्दुनिया अहवन इंदल्लाह मिन क़त्ल रजुल मुस्लिम। पूरी दुनिया ज़ायल हो जाए, पूरी दुनिया जो है ख़त्म हो जाए, ये कहीं अल्लाह के नज़दीक महबूब और पसंद है इसके मुकाबले में कि कोई आदमी किसी आदमी की जान ले। लज़वालुद्दुनिया अहवन इंदल्लाह मिन क़त्ल रजुल मुस्लिम। कोई आदमी किसी मुसलमान की बेजा बेवजह जान लेता है, उसे कत्ल कर देता है, इसके मुकाबले में अल्लाह के नज़दीक ये कहीं ज़्यादा आसान है कि पूरी दुनिया जो है ज़ायल हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा काबे का तवाफ़ कर रहे थे, काबे की जानिब देखा और कहा, तू क्या ही अज़ीम है, तेरा क्या ही मकाम और मर्तबा है, लेकिन याद रहे कि एक बंदे मोमिन का मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक क्या है, तुझसे भी ज़्यादा है। एक आयत में क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अगर कोई आदमी किसी की जान बचाता है और किसी की जान लेता है तो क्या मिसाल बयान की अल्लाह ताला ने उसके लिए,
من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ایک آدمی کے قتل کو پوری انسانیت کی قتل قرار دیا گیا, اور وہی اگر کوئی آدمی ایک آدمی کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا. تو یہاں شریعت کی نظر میں جان کی بڑی اہمیت ہے. ایک انسان نہ تو اپنے آپ کی جان لے سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی جان لے سکتا ہے, لیکن جو آدمی منحرف فکر کا ہوتا ہے وہ ایسے اعمال انجام دیتا ہے, دوسروں کی جان لینے کو جو ہے کوئی بات ہی نہیں سمجھتا اور اسے کسی گناہ کا کام ہی تصور نہیں کرتا ہے. حالانکہ شریعت کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی جان کی کتنی زیادہ اہمیت بتلائی. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنی جان خود لیتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے حق میں بہت ہی سخت قسم کی سزا سنائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان لیتا ہے تو یاد رکھ لے کہ جس طریقے سے وہ اپنی جان لے گا, خودکشی کرے گا, جیسے خودکشی کرے گا, جس طریقے سے کرے گا, زہر پی کے ہو, بندوق چلا کر کے ہو, کوئی بھی طریقہ اختیار کرے, اسے یاد رہے کہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اسے اسی طریقے سے سزا دے گا. زہر پیا ہے تو جو ہے کہ اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ پیتا رہے گا اور اپنا جان دیتا رہے گا اور اسے اسی قسم کی سزا ملتی رہے گی. تو جو انسان مرحلی فکر کا حامل ہوتا ہے ایسے جرائم انجام دیتا ہے, دوسروں کی جان لینے کو آسان سمجھتا ہے. مرحلی فکر کا حامل شخص جو غلط کام کرتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بادشاہوں کے خلاف, حاکموں کے خلاف خروج کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھتا ہے, جائز سمجھتا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور سب کے پاس کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں. حاکم بادشاہ غلطیوں سے پاک نہیں ہوتے. غلطیوں کا اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کے خلاف خروج کیا جائے, حاکموں کے خلاف خروج کیا جائے اس بنیاد پر کہ ہم اصلاح کا کام کریں گے, جو غلطیاں ہیں ہم اسے درست کریں گے. نیت اس ناحیے سے بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ غلطیوں کو اصلاح کرنے چلا ہے بندہ, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک غلطی کے اصلاح کا صحیح طریقہ نہ اختیار کرنے کی وجہ سے مظاہرہ کرتا ہے نا, خروج کرتا ہے, بادشاہوں کے خلاف خروج کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاح تو ہو نہیں پاتا, دوسروں کی جانیں چلی جاتی ہیں, مال لوٹے جاتے ہیں, عزت و آبرو جو ہے محفوظ نہیں رہتے. اس طرح کے ایک غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے انسان نت نئے طریقوں کے ذریعے سے بہت ہی اور جو ہے خرابیوں کے دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی منحرف فکر جس کے پاس ہو وہ جو جرائم اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کے امن و امان کو, سکون اور چین کو چھین لیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جہاں مختلف قسم کے فتنہ اور فساد ہو رہے ہوں, جہاں مختلف قسم کے جرائم انجام دیے جا رہے ہوں, وہاں لوگ امن و سکون سے نہیں رہ پائیں گے. حالانکہ شریعت کی نظر میں امن و امان کی بڑی اہمیت ہے, امن و امان کی بڑی اہمیت ہے. ابھی اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مکہ کو امن و امان والا شہر بنا دے. اس لیے کہ انسان جب امن و امان میں ہوتا ہے تو گویا کہ اسے کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی, کسی قسم کا خوف اور ڈر لاحق نہیں ہوتا ہے, اور وہ دنیا میں اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادتیں اس سے بہت ہی اچھے طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں. اسی لیے شریعت میں بہت سے عبادتوں کو امن و امان کے ساتھ جوڑا گیا ہے. امن و امان کی اہمیت جاننے کے لیے ہم اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس اس دن کے کھانے کی چیزیں ہوں, من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا, کہ جس انسان کا جسم کیا ہو, صحت مند ہو, بیماریوں سے محفوظ ہو, اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہو اور اس کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہوں, تو وہ ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی. تو ایک امن و امان کی یہ شریعت میں اور اسلام کی نظر میں اہمیت ہے, لیکن منحرف فکر کا حامل انسان ایسے مختلف ذرائع کے ذریعے سے, مختلف طریقوں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے,
इंसान के माशरे के अमन व अमान को गारत करता चला जाता है। मुनहरिफ फ़िक्र के जो और भी नुकसान हैं उनमें से ये है कि हर फिक्र का हामिल अपने लिए ग्रोह तैयार कर लेता है, अपनी जमात बना लेता है और उस फिक्र की तायीद में कुछ लोग हो जाते हैं, उस दूसरे फिक्र की तायीद में दीगर लोग हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि मुसलमान मुख्तलिफ जमातों में बढ़ जाते हैं, मुसलमान जो है मुतफर्रिक हो जाते हैं। हालांकि इत्तेहाद इत्तेफाक़ की क्या अहमियत है हम सब इससे बाखबर हैं। तो एक मुनहरिफ इंसान बहुत ही मुख्तलिफ कस्म के अफकार के जो कि उसका फ़िक्र गलत होता है उसके नतीजे में वो बहुत सारे जो है गलतियाँ करते चले जाता है और बहुत सारे गलतियाँ अगर उसका ताल्लुक अकीदे से है तो ये गोया कि नहायत ही ख़तरनाक मामला है। और लेकिन दीगर जो नुकसान पहुँचाते हैं अपने आप पे दूसरों पे ये भी किसी भी सूरत जो है कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला हमें हमारे फ़िक्र की हिफाजत फरमाएँ और मुनहरिफ फ़िक्र का हामिल फ़िक्र का जिसके फ़िक्र जो है दुरुस्त ना हो ऐसे सूरत में जो वो आमाल अंजाम देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के शर से हमें महफूज रखे। अक़ूलु मा तस्मऊना वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्ब फस्तग़फिरूहू इन्नहू हुवल ग़फूरुर रहीम।